My name is Sheetal Gupta. I belong to Navi Mumbai. I am basically GM Finance in one of the public sector organization. My daughter is in 10th standard. This year only she has taken admission in CP Gurukul. Admission lene se pehle I had lot of doubts and lot of things because I was shifting her to in 10th standard. तो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, देर आर लॉट ऑफ पीपल जो लोगों ने बोला कि आप 10th स्टैंडर्ड में मत करिएगा, देर मे बी डिस्ट्रैक्शंस एंड देर मे बी लॉट ऑफ थिंग्स कैन हैपन व्हेन चाइल्ड इज अवे फ्रॉम योर पेरेंट्स. बट मेरे लिए जो था, आई स्टार्ट सर्चिंग कि मेरे को बोर्डिंग में रखना है अपने बच्चे को. तो आई वॉज लुकिंग फॉर फ्यू फैक्टर्स, जो जैसे कि मेरा बार्ड का सिक्योरिटी, उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड उसको एक ऐसा एम्बियंस मिल सके जहाँ पे वो कम्पीट कर सके देयर लेवल ऑफ स्टूडेंट की. तो बीइंग ए कोटा, जो कि एक बहुत ही अच्छा लोकेशन है, हमारे यहाँ से एक्सेसिबल भी अच्छा था नवी मुंबई से, बट कोटा के बारे में बहुत सारी र्यूमर्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स वॉज देयर. तो हम लोगों को भी थोड़ा सा डर था, बट व्हेन आई केम टू सीपी गुरुकुल तो मेरी सारी रिक्वायरमेंट एक ही जगह पे मेरे को मिल गई. मैंने ऐसा कि बहुत अच्छी सिक्योरिटी है, बीइंग ए गर्ल चाइल्ड जो सिक्योरिटी थी एंड दैट्स रियली गुड. उसके बाद मैंने देखा सारे टीचर्स वर वेरी सपोर्टिव इन ऑल एंडेवर, नॉट ओनली एकेडमिकली इस आल्सो सारे स्पोर्ट्स कल्चरल एक्टिविटीज़, सारी चीज़ें जो एक अच्छे स्कूल परफेक्ट स्कूल में होना चाहिए वो मेरे को सारी चीज़ें यहाँ पर दिखी. तो मैंने अपने किड को एक बोल्ड डिसीजन लिया, 10th स्टैंडर्ड में मैंने उसको सीपी गुरुकुल में एडमिशन दिलाया. And today I am really proud ki I have taken a good decision seeing the performance of my kid daughter. Aur sare logo se aaj maine interaction kiya. So only thing yahi hai ki it's not only academics, because I am also an engineer and MBA finance, so I understand ki kaise perfect development hona chahiye child ka. एक स्कूल होता है, एक स्कूल की इम्पॉर्टेंस कोचिंग कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकती है, क्योंकि स्कूल में यू लर्न लॉट ऑफ राइटिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, आपका कोऑर्डिनेशन कैसे लोगों से करते हैं, दूसरे लोगों से करते हैं. सो इट्स नॉट ओनली एकेडमिक्स, सो स्कूल इज़ द अपॉर्चुनिटी द चाइल्ड शुड नेवर मिस. एंड सेम टाइम देर आर लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन टू गेट इन टू हायर एजुकेशन लाइक IITs एंड ऑल्सो अकेडमिया इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो अकेडमिया के लिए भी ये जगह मेरे को अच्छी लगी एंड देर वॉज होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड. तो आपस में जो एक होता है सारा डेवलपमेंट, सिक्योरिटी और उसके बाद एजुकेशन, तो सारी चीज़ें मेरे को एक एज ए वन प्लेस पे सारी चीज़ें मिली हैं. एंड टुडे आई एम सीइंग माय किड इज़ परफॉर्मिंग वेरी वेल एंड आई एम रियली प्राउड आई हैव टेकन डिसीजन, बोल्ड डिसीजन टू टेक एडमिशन इन इवन इन 10th स्टैंडर्ड. एंड आई होप शी विल बी सक्सेसफुल इन ऑल हर एंडेवर्स एंड शी इज़ इंजॉइंग ऑल फूड, ऑल फ्रेंड सर्कल. तो सारी चीज़ें, मतलब आई कैन नॉट से कि एक ही जगह पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएँ, तो इट्स रियली अमेजिंग फॉर मी. मैं तो खैर नवी मुंबई में रहता हूँ, इतने बड़े शहर में रहता हूँ, लेकिन रियली वहाँ पे बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस भी हैं. लोगों ने कहा हॉस्टल में भेजने से भी दोनों चीज़ें हो सकती हैं, यू कैन हैव डिस्ट्रक्शन, योर किड कैन गो इन ए रॉन्ग डायरेक्शन एंड इट्स कैन बी वंडरफुल ऑल्सो, शी कैन गेट ए डिफरेंट काइंड ऑफ एम्बियंस, इंडिपेंडेंटनेस आती है, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, आपका इमोशनल लेवल डेवलप होता है. तो देर आर बहुत शॉर्ट थी, तो मैंने जो ये डिसीजन लिया है तो आई थिंक आई एम एट द पॉजिटिव साइड, जो बोर्डिंग का पॉजिटिव साइड होता है कि बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है, तो शी इज़ गेटिंग दैट एंड होप ऑल टीचर्स वंडरफुल हैं, क्योंकि कोटा वैसे ही इंजीनियरिंग और इसके लिए अच्छी जगह है, तो वो एक एम्बियंस पढ़ाई का भी एम्बियंस है. तो आई एम रियली वेरी हैप्पी कि मेरा डिसीजन अच्छा रहा, मैंने अपने बच्चे को 10th स्टैंडर्ड में सीपी गुरुकुल में भेजा. थैंक यू.